सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। महुआ डान की स्वयंसेवी संस्था जन सेवा समिति के द्वारा बृहस्पतिवार को दुरूप पंचायत भवन में पुराने गर्म कपड़े व बिस्किट का वितरण किया गया। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम, सचिव मोहम्मद शहजाद आलम ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो गरीब और असहाय लोग हैं, उन लोगों की मदद के लिए आगे आने चाहिए। इसे देखते हुए संस्था के सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घरों से व ग्राम के अन्य घरों से पुराने ऊनी वस्त्र को लेकर गरीबों के बीच पहुँचाने का निर्णय लिया। इसके बाद संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा बृहस्पतिवार महुआडान के दुरूप पंचायत जाकर पंचायत भवन सैकड़ों महिला पुरुष वृद्ध एवं बच्चों के बीच कपड़े एवं बिस्किट का वितरण किया गया। ये क्षेत्र आदिम जाति क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहीं संस्था के द्वारा आगे भी इस तरह का कार्य किया जाएगा, साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कैंप भी लगाया जाएगा। इस कपड़ा वितरण कार्यक्रम का लाभ दौना दुरूप पुरान डीह ग्राम के सैकड़ों लोगों ने लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गेटवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर असगर हुसैन, संस्था के अध्यक्ष लाडले खान, कामरान खान, उबैद अली, रबुद्दीन अंसारी, अरशद अंसारी, शोएब अख्तर, तोहिद अख्तर, वहीं दुरूप ग्राम के यहिया अंसारी, सुरेश यादव, सफरूल अंसारी आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा।